वेलकम स्टूडेंट्स, हाफ्स एंड क्वार्टर्स में आज हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे अलग अलग फ्रैक्शंस का। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रैक्शन लिखा है 2/4 एंड 1/4। इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। हम यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर सेम वाले एडिशन ही ले रहे हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पे देखेंगे 4 सेम है बिल्कुल। तो जितने भी आपके फ्रैक्शन लिखे हैं उनमें अगर ये नंबर सेम है आपका डिनोमिनेटर, तो आप यहाँ पे वन टाइम इसको ले लेंगे, यानी 4 आपका कितने भी टाइम्स आएगा यहाँ पे आपको वन टाइम 4 ले लेना है और ऊपर के नंबर्स को ऐड कर देना है। तो इसके ऊपर आपका नंबर आ रहा है न्यूमरेटर 2 एंड यहाँ पे इसका न्यूमरेटर है 1। दोनों को हमने लिख लिया है, प्लस एडिशन है तो प्लस का साइन लगाएंगे आप एंड 2 + 1 = 3 और 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा। देन द आंसर इज 3/4। नाउ नेक्स्ट, अगर सब्ट्रैक्शन करना है आपको तो सेम प्रोसेस है आपका, 6/8 एंड 3/8, यानी डिनोमिनेटर्स आर सेम। दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट दिस वन टाइम 8। एक ही टाइम लिखेंगे यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 6 इसका न्यूमरेटर है तो 6 लिखेंगे, उसके बाद माइनस 3 लिखेंगे इसका न्यूमरेटर एंड 6 - 3 = 3। नाउ 3/8 इज द आंसर। नाउ 1/5 + 1/5 एंड 1/5, आप यहाँ देख रहे हैं सब में फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 5 है तो वी हैव टू टेक ओनली 5, सिंगल 5 लेना है आपको और न्यूमरेटर जितने हैं उनको प्लस कर देना है। 1 + 1 + 1 यहाँ पे लिख देंगे, इनको प्लस कर देंगे तो दिस इज 3/5। नाउ 2/7, 2/7 एंड 2/7, सो 7 कम आउट एज सिंगल, यहाँ पे लिख देंगे 1 × 7 और 2 + 2 + 2, यानी हम न्यूमरेटर सारे लिख देंगे, ऐड कर देंगे एंड इनको सबको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 6/7। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 7/9 एंड 4/9। यहाँ भी आप देख रहे हैं सेम है डिनोमिनेटर, यहाँ लिख दिया है हमने 9। बस आपको एक ही बार लिखना है, चाहे वो फ्रैक्शन में कितनी बार भी आ रहा है आपको एक ही बार लिखना है। और एडिशन करेंगे 7 + 4, तो 7 + 4 हो गया, दैट इज 11 11/9। नाउ 5/16 - 3/16, 16 आप देख रहे हैं दोनों में डिनोमिनेटर है, 16 लिख दिया आपने, फिर 5 - 3 लिख दिया, 5 - 3 एंड दिस कम्स आउट एज 2 एंड 2/16। 3 8/12 + 4/12, 12 आपका दिख रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर है, आपने लिखा 12 डिनोमिनेटर एंड उसके बाद 8 + 4 यहाँ पे हो गया है एंड दैट इज 12/12। नाउ नेक्स्ट इज 9/14 + 5/14, 14 आपका डिनोमिनेटर आ गया है, 9 + 5 = 14, 14/14 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका डिवाइड हो जाएगा, हम 12 को भी डिवाइड करके लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका 12 ones are 12 and 12 ones are 1, दैट इज 1/1 means 1। और यहाँ पर भी आपको ये कट हो जाएगा आपका, 14 ones are 14 and 14 ones are 14, 1/1 means दैट इज इक्वल टू 1, तो हम इसको 1 भी लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइंडस्टोन।